ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं सिद्धे जिनिन्दचन्दे आयरियौ वच्छाय साहुगणे वन्द्य सम्मदंसन चरितलद्धिं परूवे मोहं। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमीचंद जी ने इस लब्धिसार ग्रंथ की रचना की है, उसी के आधार से उसकी संस्कृत टीका के अनुसार पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका लब्धिसार क्षपणासार ढूंढारी भाषा में लिखी है। अभी उसके हिंदी अनुवाद के आधार से हम यहाँ क्षपक श्रेणी की चर्चा कर रहे हैं। अनिवृत्तिकरण यानी गुणस्थान भी, उसका नाम अनिवृत्तिकरण है, नौवा गुणस्थान है, उसकी बहुत विस्तार से हमने चर्चा कर दी। अब ये जीव दसवें गुणस्थान में आ गया है, नौवे का कार्य करके ये दसवें में एंटर हो चुका है। दसवें गुणस्थान का नाम क्या है? सूक्ष्म सांप्राय। सांप्राय का अर्थ होता है कषाय। यहाँ सूक्ष्म कषाय हो गया, यानी लोभ ही बाकी है, बाकी तो सब कषाय नष्ट हो चुके हैं, और ये लोभ वो भी कैसा है, तो सूक्ष्म कृष्टि रूप से यहाँ उसका हृदय चलेगा। बंध तो अभी मिट गया है, मोहनीय का बंध मिट गया है, अन्य कर्म जो ज्ञानावरण दर्शन अंतराय वगैरह जो है वेदनीय नाम गोत्र, उनका तो बंध दसवें गुणस्थान में भी चलेगा, परंतु अभी मोहनीय का बंध नहीं होगा। और सांप्राय ने कषाय जो अभी लोभ है वो सूक्ष्म कृष्टि रूप से यहाँ उदय रूप होगा, यानी अभी शुरुआत होगी उसकी, क्योंकि अभी तो उच्च नब्बे के अंत में क्या पोजीशन थी, उच्चिष्ठावली प्लस एक समय बादर लोभ का बाकी था, और द्वितीय समय में जो कोई नवक समय प्रबंध, तो वो अंतिम समय रूप जो बादर कृष्टि जो है लोभ की उसका उदय हुआ, तो ये नब्बे गुणस्थान का अंतिम समय हुआ। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, अब यहाँ 429 पृष्ठ पर आना है। यानी सूक्ष्म सांप्राय भी शुरू होता है, यानी अनिवृत्तिकरण के अनंतर, अनंतर ने नेक्स्ट समय में, उसके पश्चात वाले समय में यहाँ सूक्ष्म कृष्टि का उदय चलेगा, जिसका उदय होता है उसको अनुभवता है, ये कहने की पद्धति है, हाँ उसका वेदक है ऐसा कहेंगे। तो यहाँ फिर से हम ये जो 582 की टीका वहाँ से पढ़ते हैं 429 पेज पर, अनिवृत्तिकरण के अंत समय के अनंतर, अनंतर यानी उसके पश्चात सूक्ष्म कृष्टियों को वेदता हुआ, सूक्ष्म कृष्टि तो द्वितीय स्थिति में बनी थी, अभी उसको वेदता हुआ यानी वहाँ से सूक्ष्म कृष्टि नीचे आएगी और प्रथम स्थिति बनेगी उसकी, अपने काल में सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान को प्राप्त होता है। यहाँ उसके प्रथम समय में लोक की सूक्ष्म कृष्टियों की अंतर्मूर्त मात्र स्थिति है, उसके संख्यातवे भाग मात्र स्थितिकांडक आयाम लांछित होता है। यहाँ पर भी स्थितिकांडक चल ही रहा है, हमने देखा था यहाँ कि सत्व कितना बाकी है द्वितीय स्थिति में, जो सूक्ष्म कृष्टि के जो कृष्टिया बनी है उसके निषेक की अपेक्षा बात करेंगे तो उसकी स्थिति कितनी बाकी है, तो अंतर्मूर्त मात्र, वो बड़ा अंतर्मूर्त है, उसमें से छोटा अंतर्मूर्त इसका कांडक होगा, स्थिति कांडक आया। मोह के कृष्टि को प्राप्त हुए अनुभाग का अनुसमयापवर्तन, यानी स्थिति कांडक घात कितना होता है, तो एक अंतर्मूर्त वाला, उसके आयाम वाला, और फिर और क्या बातें हो रही है, प्रति समय अनुभाग का घटना, इसको कहते हैं अनुसमयापवर्तन। यहाँ तो सूक्ष्म कृष्टि रूप है ये, इसमें से भी ऊपर ऊपर की कृष्टि नष्ट होकर जघन्य की ओर बढ़ेगी, ये उसका अर्थ होता है।
और ज्ञानावरणादि का अन्य जो कर्मों में स्थिति कांड घात और अनुभाग कांड घात पूर्वोक्तवत वर्तता है, उसमें तो गुणश्रेणी भी चल रही है वगैरह वगैरह, क्योंकि हमने देखा था शुरुआत में जब गुणश्रेणी बनाई थी कब, आठवें गुणस्थान के पहले समय में, तो कितनी बड़ी बनाई थी, आठवां प्लस नौवां प्लस दसवां प्लस बारहवां प्लस और थोड़ा, तो ज्ञानावरणादि में तो वही गुणश्रेणी चल रही है अभी। मोनिय में क्या हुआ था, गुणश्रेणी का कुछ पार्ट और ऊपर के कुछ निशे, इनमें तो अंतर किया गया था, इसलिए उसकी गुणश्रेणी वहाँ तो नष्ट हो गई थी, यानी पूरी नष्ट नहीं हुई थी, कुछ पार्ट उसका चल रहा था। अभी यहाँ ज्ञानावरणा की गुणश्रेणी उसकी बात करेंगे, अभी किसी कितनी बड़ी है, यानी अभी दसवें में आया है तो दसवां बारहवा और थोड़ी इतनी ज्ञानावरणादि की गुणश्रेणी तो चलेगी, उसकी उतने अभी बाकी है। तो कहते उस समय में द्रव्य निक्षेपण का विधान कहते हैं। द्रव्य निक्षेपण का अर्थ होता है कि जो सूक्ष्म कृष्टि द्वितीय स्थिति में बनी है, अब उसमें से परमाणु, बीच में तो अंतर था, अब वो नीचे किस प्रकार से दिए जाएंगे उसकी यहाँ भी चर्चा होने वाली है। तो यहाँ नीचे से दूसरी लाइन वहाँ से पढ़ते हैं, 429 पृष्ठ पर, सूक्ष्म कृष्टि संबंधी द्वितीय स्थिति में प्राप्त, ये द्वितीय शब्द डालना आवश्यक है, द्वितीय स्थिति में प्राप्त जो मोह का सर्वद्रव्य, मोह का सर्वद्रव्य कहा, क्यों, क्योंकि जो पूर्व नौकषाय का था वो सारा क्रोध में गया, फिर मान में गया, फिर माया में गया, अभी लोभ में गया, सारा सूक्ष्म कृष्टि रूप हुआ। आप कहेंगे इतना सारा निर्जरा भी तो हो गई ना अपकर्षण, वो तो नहीं के बराबर है ऐसा कहेंगे, क्योंकि वो असंख्यात असंख्यात भाग चला गया है, बहुत बड़ा भाग यहाँ अभी भी बाकी है, तो सारा ही मोह का द्रव्य अभी सूक्ष्म कृष्टि रूप से विद्यमान है, भले उसके निषेक कितने बाकी, तो अंतर्मूर्त प्रमाण, तो एक एक निषेक में कितने अधिक परमाणु होना चाहिए आप इमेजिन कर सकते हैं है? तो कहते यहाँ मोह का सर्वद्रव्य, अभी जितना टोटल द्रव्य है यानी नंबर ऑफ परमाणु है, उसको अपकर्षण भागार का भाग देकर, हमेशा कितने परमाणु अपकर्षित होते हैं उसके लिए वहाँ एक कुछ संख्या बताई जाती है, उससे भाग देकर उतना एक भाग प्रमाण परमाणु अपकर्षित होते हैं, एक भाग का अपकर्षण करके गुणश्रेणी करता है, यानी उतने परमाणु नीचे आ जाएंगे, प्रत्येक निषेक में से थोड़े थोड़े परमाणु नीचे आएंगे और वहाँ गुणश्रेणी की रचना होगी। अब 430 पृष्ठ पर हम पढ़ते हैं, देखो वहाँ क्या होने वाला है, 583 की जो टीका है, गुणश्रेणी अंतर स्थिति और द्वितीय स्थिति। देखो अभी तक हम क्या करते थे, हर बार एक किसी भी संग्रह कृष्टि का नीचे द्रव्य आता था तो नीचे गुणश्रेणी बनती थी, उदय के समय से गलितावशेष रहती थी, उसके ऊपर अंतर पाया जाता था और उसके ऊपर द्वितीय स्थिति रहती थी। अब यहाँ विशेषता क्या होने वाली है, तो यहाँ जो परमाणु नीचे आएंगे तो यहाँ तो गुणश्रेणी तो बनेगी बनेगी, अंतर में भी द्रव्य दिया जाएगा, जिन निषेकों का अंतर किया था इस अंतर को पूरा दिया जाएगा, अभी अंतर समाप्त तो होने वाला है, बीच में जो गैप थी वो गैप में भी द्रव्य देके, वो किस पद्धति से देंगे, कैसे कब कब देंगे, प्रति समय कितना देंगे, वो बात बताने वाले। अभी तक तो बीच में गैप हमेशा रहती थी और गैप के नीचे एक एक संग्रह कृष्टि का वहाँ रचना हो रही थी, उसके द्वारा वहाँ प्रथम स्थिति बनती थी। अब क्या क्या होने वाला है, यहाँ तो गुणश्रेणी तो बनेगी बनेगी और गुणश्रेणी के ऊपर जो अंतर वाले निषेक है वो फिर दोबारा वहाँ तैयार हो जाएंगे। तो एक पहले समय में कितना देंगे, दूसरे समय में कितना, उसका चर्चा भी होने वाली है। तो यहाँ से फिर पढ़ते हैं, अभी तीन जगह दिया जाएगा, गुणश्रेणी भी बनेगी क्योंकि वहाँ तो केवल वो बादर लोभ की उच्चिष्टावली बाकी थी, वो तो अपने रूप से उदय में आने वाली नहीं है, अब उदय के समय से लेकर गुणश्रेणी बनेगी, एक बात। दूसरी, अंतर स्थितियों ने जिन निषेकों का अभाव किया था वहाँ पर निषेक बनेंगे नए, तो अंतर में भी कुछ द्रव्य दिया जाएगा। और तीसरे, द्वितीय स्थिति जो ऊपर पड़ी ही थी उसमें भी फिर वहीं से निकल कर उसी में कुछ द्रव्य वहाँ पर भी दिया जाएगा। तो ये तीन परवयने, तीन जगह है ये द्रव्य दिया जाएगा, अपकर्षित द्रव्य तीन जगह दिया जाएगा, कहाँ पर, गुणश्रेणी में, अंतर स्थिति यानी अंतर में और ऊपर,
अपकर्षण किया हुआ द्रव्य इन तीनों में विभाग करके देता है। कहाँ कितना देता है उसका प्रमाण बताएंगे अभी। जहाँ तक अपकर्षण किए हुए द्रव्य को असंख्यात गुणाक्रम सहित देता है उसका नाम गुणश्रेणी। हमने पहले देखा था गुणश्रेणी किसको कहते हैं, पंक्ति रूप जो हाँ एक एक निषेक में प्रति निषेक में असंख्यात गुणा ऊपर ऊपर परमाणु दिए जाते हैं उसका नाम है गुणश्रेणी। गुणित प्रमाण में श्रेणी रूप पंक्ति रूप रचना निषेकों की, तो ये गुणश्रेणी में दिया। उसके ऊपरवर्ती जिन निषेकों का पहले अभाव किया था, हमने पहले देखा ना जब अंतरकरण किया था तो बीच वाले बहुत सारे निषेकों को घात करके उसका घात करके उसके परमाणु नीचे ऊपर देके नष्ट किया था। अब उसी अंतर वाले जो निषेकों की जितनी स्पेस बाकी है उसमें वहाँ उतने निषेक तैयार हो जाएंगे, तो कुछ द्रव्य अंतर में भी दिया जाएगा। तो कहते जिन निषेकों का पहला अभाव किया था उनके प्रमाण रूप अंतर स्थिति है, यानी कितने नंबर ऑफ निषेक वहाँ अभी गैप में है उतने समयों के वहाँ निषेक तैयार होने वाले हैं, इसको कहते अंतर स्थिति। यहाँ निषेक नहीं है परंतु उतने समय वाली गैप बाकी है ना, तो उतने समयों में वहाँ निषेक रचना होने वाली है। उसके ऊपर अवशेष सर्वस्थिति का नाम द्वितीय स्थिति है, जो ऊपर हमने देखा था अंतर्मूर्त प्रमाण ऊपर स्थिति पड़ी है उसका नाम है द्वितीय स्थिति। पहले क्या था, द्वितीय स्थिति और प्रथम स्थिति और बीच में अंतर। अब यहाँ अंतर में भी द्रव्य दिया जाने वाला है इसलिए प्रथम स्थिति यानी वहाँ पर गुणश्रेणी में दिया जाएगा, उसके ऊपर अंतर स्थिति में दिया जाएगा और बाकी ऊपर द्वितीय स्थिति में भी दिया जाएगा। मोहनीय की यह गुणश्रेणी के ऊपर बिल्कुल बनेगी, ऐसे प्रथम स्थिति में बनेगी, उदय के समय से बनेगी। हाँ, तो मोहनीय की यह गुणश्रेणी पहले जैसे बनती थी वो उदय के समय से पन गलित अवशेष बनती थी, अब कुछ विशेष बताएंगे यहाँ पर। तो मोहनीय की यह गुणश्रेणी, मोहनीय में क्या पड़ा है अभी, सूक्ष्म कृष्टि, लोभ की सूक्ष्म कृष्टि, यही मोहनीय का द्रव्य है। तो मोहनीय की यह गुणश्रेणी यहाँ की बात है, यहाँ सूक्ष्म सांप्राय के काल से कुछ विशेष अधिक है। वो कितनी बड़ी गुण, कितने निषेकों में दिया जाएगा, सूक्ष्म का सूक्ष्म सांप्राय का काल प्लस और थोड़ा, तो भी यहाँ पाए जाने वाले ज्ञानावरण आदि के गुणश्रेणी आयाम से अंतर्मूर्त मात्र ही नहीं, क्योंकि हमने क्या देखा था ज्ञानावरण आदि की जो शुरुआत में की थी ना आठवां गुणस्थान नौवा प्लस दसवा प्लस बारहवा प्लस थोड़ा, अब यहाँ दसवें के स्टार्टिंग में आए हैं, तो यहाँ ज्ञानावरण आदि की गुणश्रेणी अभी कितनी बाकी है, दसवा बारहवा और थोड़ा, और यहाँ मोहनी की गुणश्रेणी कितनी किया है, दसवा प्लस थोड़ा, तो अंतर्मूर्त का डिफरेंस है वहाँ पर, ये यहाँ कहना चाहते हैं। और यह कैसी गुणश्रेणी है, उदयादि यानी उदय के समय से प्रत्येक निषेक में असंख्यात गुणाक्रम से द्रव्य दिया जाता है, परंतु एक और विशेषण नया जुड़ा है, अवस्थित गुणश्रेणी है। पहले कौन सी थी, गलितावशेष थी, गलितावशेष का अर्थ क्या था, एक एक निषेक नीचे से गलता था और वो जो गुणश्रेणी में जो आयाम है वो घटते 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 वो उच्चिष्टावली तक होता था। अब ये गुणश्रेणी कैसी है, अवस्थित है। अवस्थित का अर्थ ये है नीचे से एक निषेक गल जाएगा और अंतर का एक निषेक गुणश्रेणी रूप से बनेगा, गुणश्रेणी रूप बनेगा ना, वहाँ तक उसका असंख्यात गुणाक्रम से द्रव्य दिया जाएगा, यानी गुणश्रेणी का आयाम जितना का उतना रहेगा, ये इसका कहना है। उदय रूप, ये समझ में आ रही बात, पहले जो गुणश्रेणी बनती थी उसका नाम क्या था, उदयादि गलितावशेष गुणश्रेणी आयाम, जब सारे एक एक संग्रह कृष्टि नीचे आती थी तब। अब दसवें गुणस्थान में आते ही अंतर को पूर्णे का कार्य चलेगा और यहाँ गुणश्रेणी का आयाम कितना है, दसवां गुणस्थान प्लस और थोड़ा, और ये गुणश्रेणी कैसी है, तो अवस्थित है, एक एक निषेक गल जाएगा क्योंकि दसवें गुणस्थान का जितना काल आगे बढ़ेगा उतने निषेक गल जाएंगे और ऊपर के अंतर स्थिति के कुछ निषेक गुणश्रेणी में इंटर हो जाएंगे। लेकिन नेट इफेक्ट तो एक ही है, अवस्थित हो या गुणश्रेणी, ना नेट इफेक्ट वो नहीं होता है क्योंकि यहाँ गुणश्रेणी गलती है तो कम निषेकों में अधिक द्रव्य दिया जाता है, यहाँ निषेकों की संख्या उतनी की उतनी रहेगी क्योंकि एक निषेक गल गया तो ऊपर के एक निषेक गुणश्रेणी रूप से उसमें द्रव्य दिया जाएगा।
थोड़ा डिफरेंस है उसमें, क्योंकि गलितावशेष हमने क्या गलिता गलते 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 आवली प्रमाण रह गया था जिसको हमने उच्चिष्ट आवली कहा था, अब वहाँ ऐसे गलने वाली नहीं है, यानी उसका एक निषेक जरूर खिर जाएगा, परंतु ऊपर का जो गुणश्रेणी में नहीं था निषेक उसमें गुणित प्रमाण में द्रव्य दिया जाएगा। इसको कहते ऊपर का एक निषेक गुणश्रेणी में इंटर होगा। उदय रूप जो वर्तमान समय, यानी वर्तमान समय का जो निषेक उदय रूप है उससे लेकर यह पाई जाती है, यानी गुणश्रेणी यानी गुणित प्रमाण में जो परमाणु का देना होता है वहाँ ये उदय के समय से देते हैं, पूर्ववत उदयावली के पश्चात नहीं। कहीं कहीं हमने उदयावली के ऊपर गुणश्रेणी देखी थी, ऐसा यहाँ नहीं है, इसलिए इसे उदयादि कहते हैं। तथा अवस्थित प्रमाण वाली है, अवस्थित यानी फिक्स प्रमाण वाली है, वो नंबर ऑफ निषेक उसके संख्या फिक्स है। पूर्व गलितावशेष गुणश्रेणी आयाम में, आयाम यानी उसकी लंबाई थी, एक एक समय व्यतीत होने पर गुणश्रेणी आयाम घटता जाता है। ये तो हमने समझ में आती है ना, वहाँ से एक एक निषेक गल गया तो गुणश्रेणी छोटी छोटी होती गई उसका आयाम। अब एक एक समय व्यतीत होने पर उसके अनंतरवर्ती यानी ऊपर का अंतर आयाम का एक एक समय मिलकर गुणश्रेणी आयाम जितना का उतना रहता है, इसलिए इसे अवस्थित कहते हैं। यानी यहाँ गुणश्रेणी किस टाइप की है वो यहाँ बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर हम। अब यह कहाँ कितना दिया जाता है उसके लिए कुछ गणित बताए हैं, उसको थोड़ा छोड़कर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, अभी आना है आपको 436 पर आना, 434 पर आ जाना, 434। अब देखो ये किस तरह से दिया जाता है, थोड़ा हम अपनी भाषा में समझेंगे और फिर हम पुस्तक में से भी पढ़ेंगे। ये सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान की बात है। पहले यहाँ केवल उच्चिष्टावली बाकी थी और ऊपर अंतर्मूर्त प्रमाण द्वित संग ये कृष्टि के निषेक बाकी थे। अब यहाँ इसमें से सभी निषेकों में से कुछ परमाणु नीचे आएंगे, वो कैसे दिए जाएंगे, यह कुछ नहीं था केवल उच्चिष्टावली थी तो उदय के समय से गुणित प्रमाण में यहाँ तक दिया जाएगा, इसको कहते गुणश्रेणी रूप से दिया जाएगा। यानी उदयादि उदय के समय से लेकर गुणित प्रमाण में दिया जाता है। अब अंतर में कोई निषेक थे नहीं, यहाँ पर केवल अंतर था, अभी उसमें से हीन क्रम से दिया जा रहा है अंतर में, और बाकी उर्वरित ऊपर जहाँ है वो भी हीन क्रम से थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा, थोड़े थोड़े, क्योंकि सभी निषेकों में से द्रव्य निकला है और उसका फिर डिस्ट्रीब्यूशन इस पद्धति से हुआ है, ऊपर से ही आएगा। और यहाँ ऊपर इतना जो स्थिति है उसमें से कांडक घात भी शुरू हुआ है, उसमें से एक फाली निकलेगी, फाली का भी द्रव्य नीचे आएगा और यहाँ सब जगह से अपकर्षण भी होगा, ये सब मिलकर इसका फिर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दूसरे समय में और भी अपकर्षण और फाली नीचे आएगी और फिर इसमें और ऐसा दिया जाएगा, यानी ये अंतर भरते 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 इस तरह से ये फाइनल रिजल्ट ऐसा होगा। एक समय में, दो समय में, तीन समय में, एक कांडक घात पूरा होते समय होते होते, क्योंकि अंतिम फाली तो बड़ी होगी, तो उस समय क्या होगा, ये गुणश्रेणी यहाँ तक हुई। देखो यहाँ विशेषता है, मैं एक निषेक नीचे बता रही, यहाँ तक गुणश्रेणी है और ये ऊपर अंतर का निषेक है, उसमें भी असंख्यात गुणाक्रम से दिया है और ऊपर सब हीन, यानी एक गोपुच्छा ऊपर तैयार होगी, यानी अंतर समाप्त होगा और फाइनली कैसा दिखेगा, नीचे गुणश्रेणी दिखेगी और ऊपर स्थिति ऊपरीतन स्थिति दिखेगी। अभी अंतर समाप्त होगा, यह अंतर समाप्त होने के लिए बाय द टाइम ऊपर से एक कांडक घात होता है तब तक ये अंतर में द्रव्य देते 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 उसको पूरा किया जाएगा। अब एक गुणश्रेणी और ऊपर उपरीतन स्थिति, ऐसी पोजीशन होने वाली है, यानी गैप पूरा मिट जाएगा। देखो जब उपशम श्रेणी देखते थे तो दसवें गुणस्थान में आए थे तो गैप तो बड़ा था और दसवें गुणस्थान के भी उस सूक्ष्म कृष्टि जो की थी उसने, बाकी तो उपशमित हुई थी अपन, जो कृष्टि थी उसका गुणश्रेणी भी बनी थी और उसके ऊपर गैप कायम थी, और जब गैप का समय आया था तब ग्यारहवां गुणस्थान हुआ था।
अभी अभी अलग प्रोसेस है। हाँ, अभी तो पूरा गैप यही फिक्स पूरा कर दिया गया है, अब उसकी बात और फिर आगे पढ़ेंगे। देखो 434 को देखते हैं, ये दिखने वाला द्रव्य कैसा है, क्योंकि दिया जाने वाला द्रव्य देखा, नीचे तो गुणित प्रमाण में दिया, फिर ऊपर घटते क्रम से दिया, फिर और ऊपर और कैसे कैसे दिया, कितना दिया जाता है उसका हिसाब अलग है, और वो कैसे दिखेगा फाइनल उसका रिजल्ट, उसको कहते हैं दृश्यमान द्रव्य। यानी वो गोपुच्छा दिखेगी कि कैसे दिखेगी उसकी बात अभी यहाँ बता रहे। देखो उपशम श्रेणी में भी कुष्ठि रचना सूक्ष्म कुष्ठि, सूक्ष्म कुष्ठि हुई थी और उसको उपशम आया गया था। यहाँ सूक्ष्म कुष्ठि होकर सारा नष्ट होने वाला है, क्योंकि क्षय होना है ना, यहाँ पर सब उदय में आकर सब निकल जाने वाला है। तो वर्तमान समय संबंधी निषेक में दृश्यमान द्रव्य अल्प है, आप यहाँ देख सकते हैं इसका दृश्यमान द्रव्य, आपको ये वर्तमान समय संबंधी निषेक है, यहाँ कितना द्रव्य दिख रहा है, ये छोटा निषेक है ना, अल्प है, उसके ऊपर अधिक अधिक दिख रहा है ना, यही कहते हैं वर्तमान समय संबंधी निषेक में दृश्यमान द्रव्य अल्प है, उससे अंतरायाम के प्रथम निषेक तक असंख्यात गुणाक्रम सहित है। ये असंख्यात गुणाक्रम है, ये जो सबसे ऊपर का जो निषेक है वो अंतरायाम का पहला निषेक है, गुणश्रेणी तो यहाँ तक ही कहलाएगी, परंतु उसके ऊपर अंतरायाम के प्रथम निषेक में भी असंख्यात गुणाक्रम से दिया गया था, इसलिए कहते हैं यहाँ तो असंख्यात गुणाक्रम सहित दिख रहा है ना? अब उसके ऊपर देखते हैं, उसके ऊपर अंतरायाम के अंत निषेक तक विशेष घटते क्रम सहित है, ये जो दिख रहा है उसकी बात बता रहे, यह विशेष घटते क्रम से दिया है, एक एक जैसे घटता हुआ। यहाँ तक देय द्रव्य का जैसे क्रम कहा, वैसे ही दृश्यमान द्रव्य का भी क्रम कहा। देखो इसका अर्थ क्या है, ये सारे निषेक नए तैयार हुए हैं, ऐसा नहीं था कि यहाँ कोई पहले निषेक थे और उसमें दिया था, क्योंकि नीचे भी वो उच्चिष्ठावली थी, यहाँ भी कुछ निषेक नहीं थे, अंतर में भी कुछ निषेक नहीं थे, तो ये जो दृश्यमान द्रव्य है वही यहाँ दीयमान द्रव्य है, दिया हुआ द्रव्य भी इसी प्रोपोर्शन से है और दिख रहा ऐसा ही है। ऊपर क्या पोजीशन है, यहाँ तो निषेक तो पहले से विद्यमान है, उसमें जो एडिशनल द्रव्य दिया जाए इसमें से निकाला है उसी में से दिया जाएगा, तो उसमें दिया जाने वाला द्रव्य बहुत छोटा कम है, तो यही बताएंगे। उससे उसके ऊपर द्वितीय स्थिति के प्रथम निषेक का दृश्यमान द्रव्य असंख्यात गुना है, देखो दिखने वाला द्रव्य दिया हुआ नहीं, यहाँ तो ये दिया हुआ द्रव्य भी और दृश्यमान द्रव्य भी ऐसा है। अब इसकी अपेक्षा से ऊपर का जो पहला निषेक है उसमें कितना दिख रहा है, तो असंख्यात गुना दिख रहा है, ये दृश्यमान द्रव्य असंख्यात गुना है और उसके ऊपर कुछ कम है, और ऊपर उसके अंत निषेक तक विशेष घटते क्रम सहित दृश्यमान द्रव्य है, परंतु वहाँ दिया हुआ द्रव्य कितना है, बहुत अल्प है। इस प्रकार सूक्ष्म सांप्राय के प्रथम समय से लेकर प्रथम स्थिति कांडक का घात जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक ऐसा क्रम जानना, कैसा क्रम जानना, नीचे से गुणश्रेणी तक असंख्यात गुणा, उसके ऊपर के और एक निषेक में भी असंख्यात गुणा जो अंतर का निषेक है एक्चुअली, और उसके ऊपर घटते क्रम से, और उसके ऊपर दृश्यमान जो है वो पूर्व स्थिति वो जो विशेष घटते क्रम से दिखेगा। जब तक पहला स्थिति कांड घात समाप्त तो नहीं होता तब तक, क्योंकि अंतर पूर्ण करने का कार्य प्रथम स्थिति कांड घात के द्वारा जितने फाली नीचे आएगी उसके द्वारा ये हो जाएगा। अब ये जो प्रथम फाली जब यानी प्रथम कांडक समाप्त तो हो जाने पर क्या दिखेगा, कैसा दिखेगा, तो पहले अपनी भाषा में समझते कैसे दिखेगा। एक कांडक पूरा होने पर ये सारा जो अंतर है ना, पहली फाली दूसरी फाली करके 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 ये सब अंतर पूरा दिया जाएगा, यानी ये यहाँ ऐसा टेपरिंग था तो इसको इसके साथ जोड़ा गया, यानी यहाँ तक तो गुणश्रेणी रूप से यानी गुणित प्रमाण में, और यहाँ पूरा ये अंतर सारा समाप्त होकर इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी ये जो गैप यहाँ था वो सारा फिलअप हो जाएगा, ये प्रथम कांडक के अंत तक ये पोजिशन हो जाएगी। बाद में क्या अनेक स्थिति कांडक घात होते ही रहेंगे, वो तो रेगुलर जैसे होते हैं वैसे होंगे, ऊपर से एक कांडक नष्ट होगा अंतर्मूर्त का
और फिर नीचे गुण श्रेणी में भी और ऊपर में कुछ कम, इस तरह से। अब यही बात आगे पढ़ेंगे हम। अब यहाँ 436 पेज पर आना, 436 यहाँ क्या कहते देखो, पहली लाइन से पढ़ेंगे। इस प्रकार प्रथम कांडक काल संपूर्ण होने पर अंतर पूरण हुआ। अंतर पूरण होने ने अंतर फिलअप कर दिया उसका, जो गैप था वो रेगुलर हो गया, अभी उसमें निषेक तैयार हो गए। जिन बीच के निषेकों का अभाव हुआ था उनका सद्भाव हुआ, क्योंकि वो प्रथम कांडक घात हो ना, स्थिति कांडक घात, एक फाली, दो फाली, तीन फाली, अंतिम फाली तो बहुत बड़ी होती है, तो पूरा गैप एकदम इन्हें भरकर पहले जैसे निषेक तैयार हो गए। तब अंतर पूरण होने से गुणश्रेणी आयाम बिना ऊपर के सर्व निषेकों में एक गोपुच्छ हुआ। एक गोपुच्छ का अर्थ समझते हैं, देखो गुणश्रेणी आयाम तो नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ देखा, ये गुणश्रेणी आयाम यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से लेकर ऊपर तक एक गोपुच्छ। गोपुच्छ नाम क्यों देते हैं, गाय की पूँछ कैसे होती है, ऊपर जरा ब्रॉड होती है और नीचे टेपरिंग होती है, यहाँ उल्टा है, नीचे ब्रॉड है ऊपर टेपरिंग है, इसी को कहते हैं गोपुच्छ। यानी सभी निषेक परमाणुओं की संख्या घटते क्रम से होती है तो उसकी ऐसी ही पोजीशन दिखेगी, दृश्यमान ऐसा ही दिखेगा। नीचे तो गुणित प्रमाण यानी बढ़ता हुआ और फिर ऊपर थोड़ा 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 घटता हुआ, इसको कहते हैं गोपुच्छाकार, यानी एक गोपुच्छ हुआ। इस तरह सूक्ष्म सांप्राय काल के प्रथम समय से लेकर प्रथम कांडक की अंत फाली पतन तक, यानी अंतम फाली जब तक गिरती है तब तक तीनों स्थानों में द्रव्य देने का विधान समान रूप कहा। कहाँ कहाँ दिया जाता है, गुणश्रेणी में दिया जाता है, अंतर की स्थिति में दिया जाता है और ऊपर की स्थिति में दिया जाता है, तीन जगह दिया जाएगा। अब जब वो पूरा हो जाएगा तो तीन जगह कहाँ रहे, दो ही रही, नीचे गुणश्रेणी और ऊपर बाकी की स्थिति। अब आगे क्या होता है, एक कांडक घात तो तीन जगह द्रव्य दिया, अब दूसरे कांडक से लेकर द्विचरम कांडक तक क्या दिया जाएगा, ये पेज नंबर 437 पर पढ़ेंगे हम, 437 पेज पर देखो। मोह के द्वितीय स्थिति कांडक घात से लेकर, पहला स्थिति कांडक घात हो गया तो नीचे गुणश्रेणी और अभी अंतर में कोई स्थितियाँ अलग से नहीं रही, उसके पूरी एक गोपुच्छा तैयार हुई, यहाँ तक बात हो गई। अब द्वितीय स्थिति कांडक हुआ द्विचरम, यानी अंत से दूसरा, लास्ट बट वन, द्विचरम स्थिति कांडक घात तक दृश्यमान द्रव्य कैसा दिखेगा, गुणश्रेणी के प्रथम निषेक में अल्प, उससे गुणश्रेणी शीर्ष के ऊपर का अंतरायाम का पहला निषेक वहाँ तक असंख्यात गुणाक्रम सहित है। यानी गुणश्रेणी में तो असंख्यात गुणाक्रम से दिया ही दिया, गुणश्रेणी के ऊपर जो अंतरायाम का निषेक था उसमें भी उससे असंख्यात गुणा दिया है, यानी वहाँ तक तो इस तरह से असंख्यात गुणाक्रम दिखेगा और ऊपर घटता हुआ क्रम दिखेगा, ये कहना चाहते हैं। उसके ऊपर गुणश्रेणी शीर्ष का अर्थ है, गुणश्रेणी में टॉप मोस्ट जो ऊपर का निषेक है उसको यहाँ गुणश्रेणी शीर्ष कहने में आता है। उसके ऊपर अंत निषेक तक, यानी जो इतनी स्थिति बाकी अभी पूरी टोटल, उसके अंत तक विशेष घटते क्रम सहित दृश्यमान द्रव्य है, यानी उसका फाइनल रिजल्ट इस तरह से दिखेगा। क्योंकि प्रथम कांडक की अंत फाली के पतन के समय में गुणश्रेणी के ऊपर सर्व स्थिति का एक गोपुच्छ होता है, इसका अर्थ समझ में आती है, नीचे गुणश्रेणी और ऊपर सब नीचे कैसे टेपरिंग, जिसको कहते हैं एक गोपुच्छ होता है। अब आगे थोड़ा बढ़ते हम, इसमें बहुत सारे उसके विस्तार से कहाँ कैसे कितना देना है वो बात बताई है। तो यहाँ उदय किस रूप से चलेगा, क्योंकि अभी जो कृष्टिया है सूक्ष्म कृष्टि में भी
जघन्य से उत्कृष्ट तक बहुत भेद है, तो वहाँ पर भी मध्यम रूप से जो उदय चलेगा और वो भी जघन्य की तरफ शिफ्ट होगा प्रति समय। यानी देखो, इसमें अति जघन्य की ओर के भी अनुदय है और उत्कृष्ट की तरफ भी अनुदय है। सूक्ष्म में ही, सूक्ष्म कृष्टियों में भी जघन्य से उत्कृष्ट तक बहुत भेद है। एक एक निषेक में सभी कृष्टियाँ पढ़िए, जघन्य से उत्कृष्ट तक किस रूप से उदय में आएगी? मध्यम रूप से। एक ही समय में वो जघन्य की तरफ और उत्कृष्ट की तरफ जो अनुभाग वाली कृष्टियाँ है वो मध्यम रूप से होकर उदय में आने वाली है, ऐसा ही चलता है। परंतु अभी दूसरे समय में वो जघन्य की ओर वो शिफ्ट हो जाएगी, उसका उदय जघन्य की तरफ चलता जाएगा सूक्ष्म सांप्राय के अंत तक, ऐसा ही होगा। अब पेज नंबर 439 पर नीचे का पैराग्राफ 595 की टीका। पूर्वोक्त क्रम से सूक्ष्म सांप्राय में उसके काल का संख्यात बहुभाग जाने पर, यानी कितना शेष रहा? संख्यात्वा भाग शेष रहा। संख्यात बहुभाग और संख्यात्वा भाग समझते हैं? मान लेते उसके पांच भाग करेंगे तो बहुभाग किसको कहेंगे? चार भाग को बहुभाग कहेंगे और एक भाग को संख्यात्वा भाग कहेंगे, पांचवा भाग। तो कहते हैं कि संख्यात्वा भाग अवशेष रहने पर संख्यात हजार स्थितिकांडक व्यतीत होकर, देखो इतना छोटा काल है उसमें भी संख्यात हजार स्थितिकांडक हो रहे हैं और ऊपर स्थिति कितनी बाकी थी? अंतर्मूर्त, और उसमें भी कांडक कितने छोटे छोटे कांडक हो गए, वो भी अंतर्मूर्त प्रमाण वाले। तो ऐसे कांडक होते होते अवसान खंड यानी जो अंत का स्थिति कांडक, अभी अंतिम स्थिति कांडक को ग्रहण करेगा, उसके द्वारा पूर्व गुणश्रेणी आयाम के संख्यात्वे भाग मात्र आयाम में गुणश्रेणी करता है। इससे पहले सर्व सूक्ष्म सांप्राय काल से साधिक अवस्थित गुणश्रेणी आयाम था। अभी इसको समझेंगे हम, बोर्ड पर भी समझने की कोशिश करेंगे। अब जितना अवशेष सूक्ष्म सांप्राय का काल रहा उतना गुणश्रेणी आयाम जानना, इसका अर्थ अपनी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अब तक क्या है, हर स्थितिकांडक में क्या हो रहा था, ये इसी तरह से दिया जाता। गुणश्रेणी आयाम तो फिक्स था, जितना नीचे एक समय गला तो ऊपर का एक समय उसमें एंटर हुआ, नीचे से एक समय गला तो अंतर का एक निषेक उसमें आ गया। इस तरह से सूक्ष्म सांप्राय काल से भी बड़ी गुणश्रेणी थी, गुणश्रेणी का आयाम सूक्ष्म सांप्राय काल से बड़ा था। अभी मान लेते ना सूक्ष्म सांप्राय के पांच भेद किए, उसमें से चार खंड तो निकल गए, चार भाग, और एक पांचवा भाग शेष रहा। यानी जितनी गुणश्रेणी आयाम की थी ना, जो गुणश्रेणी आयाम किया था यहाँ पर कहो या यहाँ पर, वो कितना था? सूक्ष्म सांप्राय और थोड़ा, बराबर। और अभी उसका चार भाग प्रमाण तो बीत गया है, यानी ये पूरे के अगर हम पांच भाग करते हैं, अभी उसके और थोड़ा भी उसमें ऐड करके हम कहते इसके पांच भाग, तो इतना छोड़कर अभी उसका शेष काल कितना है? चौथा भाग ही काल शेष है। जितना गुणश्रेणी का आयाम बनाया था वो तो सूक्ष्म सांप्राय के काल से भी बड़ा था। अब कितना अवशेष रहा है सूक्ष्म सांप्राय का काल? एक भाग अवशेष है। हम समझने के लिए समझते हैं, मान लेते पहले सूक्ष्म सांप्राय का काल 100 समय वाला था और उसमें और ऊपर के थोड़ा भाग अधिक, यानी उसने 110 समयों का गुणश्रेणी बनाई थी और वो फिक्स थी। अब क्या होगा, अभी कितना शेष रहा है उसका संख्यात्वा भाग, यानी मान लेते ना पांचवा भाग 20 समय शेष है और गुणश्रेणी कितनी है? 110 की। अब क्या करेगा वो, जितना काल शेष रहा, कितना काल शेष रहा हमने कहा? 20 समयों का, तो यहाँ से 20 समय वाली एक गुणश्रेणी करेगा। ऐसा 20 समय वाली गुणश्रेणी नहीं बनी है गई यहाँ, छोटी वाली, पहली कितनी थी? सूक्ष्म समय हमने 100 समय और 10 समय और पकड़े, हमने 110 समय की थी, समझने के लिए मैं बता रही हूँ। अब कितना करेगा, अभी जितना काल शेष रहा है 20 ही समय बाकी है, तो 20 समय की एक अलग से यहाँ गुणश्रेणी बनाएंगे, यानी उसमें इस तरह से गुणित प्रमाण में द्रव्य दिया जाएगा। देखो फिर से यहाँ से पढ़ते, अंतिम स्थिति कांडक की बात है। अंतिम स्थिति कांडक में क्या पोजीशन होने वाली है?
अभी जितना बचा कुचा है उसकी सारी अंतिम कांडक बनेगी। हम मान लेते हैं अंत तक आ गए, ये अंतिम कांडक की पोजीशन आई है, ऐसा हम मानकर बात चलते हैं, तब यहाँ गुणश्रेणी कैसे बनेगा और उसका कांडक कितना बड़ा होगा उसकी बात सोचते हैं। मान लेते हैं इतनी 110 वाली यहाँ गुणश्रेणी थी, अब ये 20 समय वाली गुणश्रेणी इतनी यहाँ बड़ी करेगा इस तरह से, क्योंकि गुणित प्रमाण में यहाँ देना है ना, और यहाँ से लेकर ऊपर का सारा कांडक घात होगा इसका। एक समय में एक फाली आएगी, दूसरे समय में दूसरी फाली, तीसरे समय में तीसरी फाली, इस तरह से ये 20 समय, क्योंकि जितना समय बाकी है ये 20 समय की गुणश्रेणी करेगा, और उसमें से एक एक समय गलता भी जाएगा, क्योंकि सूक्ष्म साम्राज्य के जितने समय है उतनी ही गुणश्रेणी बनाएगा। फिर से पढ़ते हैं, देखो, अंतिम स्थिति कांडक का जब होगा ग्रहण होगा तो नीचे गुण जितना दसवें गुणस्थान का काल है उतने निषेकों में ही अभी गुणश्रेणी बनाएगा, और ऊपर के सारे निषेक कांडक रूप से ग्रहण हो गए। देखो यहाँ तीसरी लाइन, अवसान खंडे ने अंत का स्थिति कांडक उसके द्वारा पूर्व गुणश्रेणी आयाम के संख्यात्वे भाग मात्र आयाम में गुणश्रेणी करता है। इससे पहले सर्व सूक्ष्म सांप्राय काल से साधिक अवस्थित गुणश्रेणी था, हमने देखा ना, मान लेते हैं 100 समय और उसमें और साधिक करके, और वो भी फिक्स आयाम था, ऊपर का एक एक समय एंटर होता था, नीचे का एक एक गल जाता था। अब जितना अवशेष सूक्ष्म सांप्राय का काल रहा, हमने 20 समय मान लिया है तो अंतर्मूर्त, उतना गुणश्रेणी आयाम जानना, यानी यहाँ नई गुणश्रेणी का आयाम नया बनेगा, जुदा पहले वाली गुणश्रेणी, वो जय रचना जिसमें जितने परमाणु उतने रहेंगे, अब कितने निषेकों में गुणित प्रमाण में दिया जाएगा, जो बचा हुआ काल है उतने निषेकों में। अब उसके बाद बहुभाग तो गल गया था। कहाँ बहुभाग का तो क्षेपण हो गया, बहुभाग का नहीं, असंख्यात्वा भाग ही गया है। कितना भी क्षेपण क्यों ना हो, अंतिम समय में कहेंगे कि बहुभाग अभी बाकी है, वो 14वें गुणस्थान के अंत में भी कहेंगे एक ही निषेक बाकी है, कहेंगे अब तो कितना गल गया ना, नहीं कहते कि डेढ़ गुना अनिगुणित समय प्रबद्ध वहाँ पड़ा है, यानी कितना कर्म होगा और इतना सब खिर रहा है, फिर भी कहेंगे बहुभाग तो अभी इसी में पड़ा है, तो उतने निषेक भी कितने बड़े हो गए। मेरा प्रश्न था, जैसे हम लोगों ने 100+10 लिया था, हाँ 100+10 लिया था, तो 80 तो चला गया, तो 80 में तो फिर ये अभी तो गल नहीं था ना, गला नहीं था, ऊपर पड़ा है, नीचे के 20 में नई गुणश्रेणी होगी, वो ऊपर के पड़े गुण उनकी जैसी गुणश्रेणी वो ऐसी पड़ेगी, अभी उसके बाहर वाली ऐसे नई गुणश्रेणी, क्योंकि 20 ही निषेकों में और अधिक अपकर्षित द्रव्य दिया जा रहा है, यानी उस अधिक वो बाहर ऐसी दिखेगी गुणश्रेणी, बाहर आते हुए दिखेगी। अभी क्षपना का अर्थ, अभी किसी में संक्रमण तो नहीं होने वाला, अभी जितना है वो खिरने वाला ही है, लेकिन पहले ये होके फिर बाद में खिरेगा, बाद में खिरेगा, अभी तो इस तरह से खिरेगा, क्योंकि अभी जो नीचे के अभी 20 समय बाकी है, तो 20 समय छोड़कर ऊपर का पूरा कांडक रूप से उस 20 समय में आने वाला है, उसमें भी एक एक समय गलेगा, 19 हो गया, 18 हुए, इस तरह से ये प्रोसेस चल रहा है। द्वितीय स्थिति एक एक कम हो जाएगा, एक एक कम हो जाएगा, परंतु सब पूरे जब स्थिति कांडक घात पूरा होगा तब जाके पूरा का पूरा लौट नीचे आएगा, एक अंतर्मूर्त में पूरा नीचे आने वाला ही है, क्योंकि कांडक घात से अंतर्मूर्त प्रमाण सारे ही कांडक नष्ट होकर नीचे आने वाले हैं। नीचे उदयाली का क्या है पोजीशन? उदयाल उदय के समय से गुणश्रेणी है, वो है बड़े बड़े निषेक सारे उदय में आ रहे हैं, बहुत सारी निर्जरा हो रही है, फिर भी बहुत सारी हुई भी है, फिर भी जो बाकी है वो उससे असंख्यात गुना ये कहना चाहते हैं, फिर भी कहेंगे वो नहीं के बराबर हुई, ऐसा कहेंगे बाद में जाकर। देखो यहाँ यही बता रहे हैं कि जैसे क्षायिक समय तो में हमने क्या देखा था, 8 वर्ष की स्थिति रही, फिर अंतर्मूर्त के कांडक हुए, फिर अंतिम कांडक ग्रहण किया, फिर अंतिम कांडक की अंतिम फाली खिरी, तब जाके वो कृतकृत्य वेदक हुआ, इस तरह से यहाँ भी सारा प्रोसेस होने वाला है, ये सारे जो है अपने रूप से निषेक यानी वो गलने वाले हैं। पहले क्या था, उच्चिष्टावरी रही,
और अन्य रूप से संक्रमित हुए। अब यहाँ संक्रमित होने के लिए कुछ नहीं बचा, सब अपने रूप से उदय में आकर खिरने वाले हैं। उसके लिए वो कांडक घात होकर नीचे अधिक द्रव्य दिया जाएगा, निर्जरा भी अधिक होगी। थोड़ा बहुत इमेजिन स्ट्रेच करा रहे हैं इमेजिनेशन को। देखो इसकी बात हम अपनी भाषा में जरा समझने चाहते हैं। सारा ही सारा नीचे का जितना काल बाकी है उतना ही छोड़कर ऊपर का सारा ही एक स्थिति कांडक घात होगा उसका पूरा, फिर उसमें एक फाली दो फाली तीन फाली इस तरह से कार्य होगा। और बाय दैट टाइम एक एक समय भी बीत जाएगा तो ऐसे सूक्ष्म साम्राज्य का समय भी कम होते चला जाएगा। यानी उसके सब ऊपर के सारे जो नीचे का छोटा काल छोड़ा ना और ऊपर के जितने निषेक का है सबको कांडक रूप से ग्रहण किया, उसमें गुणश्रेणी भी आई और ऊपर की स्थिति भी आई, सब कुछ आ गया। यानी जब अंतिम कांडक घात हो जाएगा तब जितना अभी सूक्ष्म सांप्राय का काल बचेगा अभी कोई कांडक घात नहीं होगा। अब क्या होगा, एक एक समय खिरेगा, उदय में आकर खिर जाएगा, इतना होगा। यानी एक एक निषेक को एक एक समय में वो उदय रूप होकर भोगता हुआ उसको नष्ट करेगा, यही बात। हाँ, अनुभाग तो अनुसमयापवर्तन चल ही रहा है। उदय में भी जगन्य की ओर शिफ्ट हो ही रहा है, यहाँ बंद का कोई सवाल ही नहीं, बंद तो हो ही नहीं रहा। अन्य कर्मों का बंद हो रहा है पर मोहनीय का तो नहीं हो रहा है। कृष्टि तो हो चुकी है, अभी कृष्टि में भी अभी सूक्ष्म कृष्टि ही चल रही है, उसका अनुभव कम होता चला जाएगा। हाँ, और ही कम होता है। देखो ये बात 441 पेज पर लिखी है। अब ये जो एक पैराग्राफ के बाद एक सिंगल लाइन है बीच में 441 पेज पर, सातवीं लाइन में क्या लिखा है देखिए। अब अंत कांडक की अंत फाली के द्रव्य देने का विधान कहते हैं। एक फाली दो फाली तीन फाली होगी, भी अंतिम फाली बाकी है, अब वो कैसे दिया जाएगा नीचे। तो कहते किंचित कम डेढ़ गुना अनिगुणित समय पद मात्र अंत फाली का द्रव्य। देखो अभी भी जैसे मोहिनी का पूरा द्रव्य अभी भी अंतिम फाली रूप से पड़ा है, उसको असंख्यात गुणा पल्ले के वर्गमूल मात्र पल्ले के असंख्यात वे भाग का भाग देकर, ये कितनी ही संख्या वो छोड़ दो, यानी विशिष्ट नंबर ऑफ परमाणु का अपकर्षण होगा, एक भाग मात्र द्रव्य को वर्तमान उदय रूप समय से लेकर सूक्ष्म सांप्राय के द्विचरम समय तक जो प्रथम पर्व उसमें देता है। अभी जो अंतिम फाली नीचे आएगी उसमें दो पर्व बताएंगे, अंतिम समय का एक ही निषेक उसको एक पर्व कहेंगे और बाकी के निषेक उसको एक पर्व कहेंगे। मान लेते हैं ना अभी करते करते 10 समय बचे हैं तो 9 समयों का एक पर्व और अकेला 10वें समय का एक पर्व, ये कहना चाहते। पहले 20 समयों की गुणश्रेणी बनाई थी और ऊपर का कांडक ग्रहण किया तो कांडक के मान लेते ना 10 समय में वो कांडक अभी नीचे आने वाला है, आते 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 अंतिम समय है। अभी अंतिम समय है तो वो सारी नीचे किस रूप आएंगे, तो नीचे मान लेते अभी 10 समय नीचे बचे हैं तो उसमें 9 समयों में एक पर्व बताएंगे और वो अंतिम समय है उसको दूसरा पर्व कहेंगे। दो पर्व ने दो जगह परमाणु दिए जाएंगे। वहाँ प्रथम निषेक में अल्प जैसे गुणश्रेणी में देते हैं, द्वितीय आदि यानी दूसरे तीसरे चौथे में असंख्यात गुणा क्रम सहित द्रव्य देता है। अभी उसके वो गुणकार शलका वो छोड़ दो, नीचे की लाइन पढ़े यानी एक भाग वहाँ दिया और बहुभाग मात्र द्रव्य को सूक्ष्म सांप्राय के अंत समय संबंधी निषेक रूप एक ही निषेक है द्वितीय पर्व उसमें देता है। देखो फिर से इसको सुनो, हमने क्या मान क्या लिया है, 10 समय शेष है और 10 समय शेष है तब ऊपर की अंतिम कांडक की अंतिम फाली अभी खिलने वाली है, उसका द्रव्य कहाँ दिया जाएगा, 10 समयों में दिया जाएगा, 10 निषेकों में दिया जाएगा।
तो नीचे के नौ निषेकों में एक भाग दिया और बहुभाग अकेले अंतिम निषेक में दिया, ये उनका कहना है। फिर से जरा दोबारा देखते, सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में हम आए थे, वहाँ बीच में गैप थी, नीचे उच्चिष्टावली थी, कोई निषेक नहीं थे। अब सूक्ष्म कृष्णी के परमाणुओं को वहाँ से कांडक घात के द्वारा, वहाँ अपकर्षण द्वारा नीचे वो कहाँ कहाँ दिए जाएंगे, नीचे गुणश्रेणी बनेगी। वो कितनी थी? सूक्ष्म सांप्राय प्लस थोड़ी थी। अंतरायाम में भी परमाणु दिए और ऊपर भी दिए। पहले स्थिति कांड घात तक ऐसा ही करते गए तो अंतर को पूरा दिया गया। अब पोजीशन क्या रही? नीचे गुणश्रेणी जो अवस्थित है और ऊपर द्वितीय स्थिति जो पड़ी थी, वो सब अंतर और वो मिलकर एक पूर्ण गोपुच्छा हुई। वो फिक्स है गुणश्रेणी, एक निषेक गलता है तो ऊपर का एक निषेक उसमें हम गुणित प्रमाण में लेते हैं। तो ऐसे दूसरा कांडक, तीसरा कांडक, सभी कांडक होते 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 स्थिति घटती गई। अब अंतिम कांडक लेने का समय आया। तब तक तो नीचे की गुणश्रेणी वो तो फिक्स थी, बड़ी थी, सूक्ष्म सांप्राय के काल से भी बड़ी थी। अब क्या होना है? अब जितना सूक्ष्म सांप्राय का काल बाकी है, हम 20 मिनट समय मान लेते हैं, तो 20 समयों का काल बाकी है, तो ऊपर के सारे जो निषेक है उसको कांडक रूप से ग्रहण होगा, तो उसमें एक फाली आएगी, वो नीचे गिर गई, 20 समय से एक समय भी नष्ट हो जाएगा। दूसरी फाली उसमें दिया जाएगी 19 में, वो भी एक समय नष्ट हो जाएगा। इस तरह से ऊपर से एक एक फाली भी आएगी और नीचे से एक एक समय भी गल गया। अब मान लेते हैं, हम मानते हैं अपनी ओर से कि नीचे 10 समय बचे हैं सूक्ष्म सांप्राय के काल के, और ऊपर से अंतिम फाली का द्रव्य नीचे आने वाला है, जो मैक्सिमम द्रव्य उसमें पड़ा है। वो कहाँ दिया जाएगा? तो दो जगह दिया जाएगा, नौ निषेकों में उसका एक भाग दिया जाएगा, असंख्यातवा भाग नौ निषेकों में मिलकर नौ में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और बहुभाग अकेले अंतिम निषेक में जाएगा। ये बात यहाँ कहना चाहते, दूसरी कुछ बात नहीं। हर फाली का द्रव्य ऐसा ही विभाजित होगा? अंतिम फाली का मुख्य, अंतिम फाली का, हाँ, लास्ट निषेक, उसमें तो बहुभाग तो उसमें पड़ा है, उसको भी कहेंगे पूरा किंचित कम डेढ़ गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध, यानी पूरा मोह का द्रव्य उस एक निषेक में पड़ा है बहुभाग। तो अभी तक गया उसका क्या लेना? हाँ, वो असंख्यातवा भाग खिर गया ऐसा कहेंगे। अनादि का एक लाइन में आ गया। देखो, हम कहते हैं ना तत्वार सूत्र में क्या कहते हैं, भेत्तारम कर्म भूभृताम। भूभृत यानी क्या मालूम है? नहीं मालूम, अभी पूछना। भूभृत यानी पर्वत, कर्म के पर्वत को पर्वत, वो भेत्तारम यानी भेदने वाले हैं। हाँ, वो आता है ना, वो तो गाते हैं हम, बहुत पढ़ते भी है, परंतु कर्म के पर्वत के पर्वत, उसका अर्थ कितना है, और हम उसको चमे से उकेर रहे हैं। यहाँ तक कितना गया? तो कहते असंख्यातवा भाग गया, अभी बहुभाग ऊपर पड़ा है, इसलिए वो दिया भी इस तरह से, एक निषेक में बहुभाग दिया और नीचे के सब निषेकों में मिलकर असंख्यातवा भाग दिया, ये कहना चाहते हैं। देख, हाँ, अंतिम फाली का मुख्य था, क्योंकि मेन द्रव्य तो उसी में पड़ा है, क्योंकि अंतिम, जब तक वो अंतिम फाली नहीं आई थी, यानी एक 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 फाली आई थी, तो जितने गुणश्रेणी के निषेक बचे थे उसमें सर्वत्र दिया जाता था। देखो लास्ट पैराग्राफ, 441 पेज पर लास्ट पैराग्राफ, इस प्रकार मोह राजा के मस्तक समान जो लोभ का अंत कांडक, मस्तक समान क्योंकि उसमें मेजॉरिटी सारा द्रव्य उसमें पड़ा है, उसका घात करने पर, अभी घात किया यानी नीचे के हमने मान लिए थे 10 निषेक होते तो असंख्यात हो गए, उसमें उसका घात करने पर अब मोह का स्थिति घात नहीं होता, क्योंकि हमने देखा था ना, इसको हमने अंतिम स्थिति कांडक घात कहा था। अब कांडक रूप से स्थितियों का घात नहीं होगा, जो एक एक निषेक गल जाएगा उतना तो गल जाएगा। अब सूक्ष्म सांप्राय का जितना काल अवशेष रहा उतना ही मोह का स्थिति सत्व रहा, यानी सत्ता में अभी उसकी स्थिति कितनी बाकी है, तो इतनी बाकी है।
वह अनुसमयापवर्तमान सूक्ष्म कृष्टि रूप अनुभाग को प्राप्त होता है। इसका अर्थ है जितने निषेक है उसमें अनुसमयापवर्तन तो चल ही रहा है, और उसमें भी और कृष्टि के ऊपर वाली जो अधिक अनुभाग वाली कृष्टि वो भी अभी नष्ट होकर जगन्य की ओर शिफ्ट हो रही है। उसके एक एक निषेक को, यह निषेक की बात है, जो एक निषेक एक एक समय में गलता है, एक एक निषेक को एक एक समय में भोगता हुआ, भोगता हुआ यानी उसका एक समय में एक निषेक का उदय आएगा, सूक्ष्म सांप्राय के अंत समय को प्राप्त होता है। ये अंतिम समय है उसके उदय का भी और यह खिलने का भी। अब यहाँ बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं, नहीं, मोह का ज्ञानावरण आदि छह का हो रहा है यहाँ पर। कैसा बंद हो रहा है? प्रकृति बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद, और ये सब स्थिति बंद जो है प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग, उसमें से कौन सा बंद यहाँ हो रहा है ये मेरा प्रश्न है। अभी नहीं हुआ, अभी एक समय बाकी है। हाँ? चारों प्रकार, चारों प्रकार। तो यहाँ कौन कौन सी प्रकृतियाँ बन रही है पहले इसका हिसाब लगाते हैं। नहीं नहीं, हमको उत्तर प्रकृतियाँ चाहिए। ज्ञानावरणी की कितनी बन रही है? पांच। दर्शनावरण की? चार। अंतराय की? पांच। और वेदनीय की? साता वेदनीय। गोत्र की? उच्च गोत्र। और नाम की? एक यशस कीर्ति। बाकी तो सारी बंद विचित्ति हुई थी, तो इनका बंद कैसा हो रहा है? ये प्रकृतियाँ बंद रही है, इसका नाम है प्रकृति बंद। उनके जो परमाणु बंदेगे, नंबर ऑफ परमाणु, वो कितने बंदेगे? कम बंदेगे क्या? अधिक बंदेगे? कैसे बंदेगे? योग के हिसाब से। योग हीनादिक होगा तो उसके प्रदेश बंद हीनादिक होगा, उसमें कोई अभी विशुद्धि बढ़ रही है इसलिए योग कम हो रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो उसके हिसाब से प्रदेश बंद होगा। स्थिति बंद, अभी यहाँ मिनिमम स्थिति, ये क्योंकि ये कषाय का अंतिम पड़ाव है, अब यहाँ जो स्थिति बंद होगा वो इनका जो है वो मिनिमम होगा यहाँ पर। और अनुभाग बंद कैसा होगा? प्रशस्त प्रकृतियाँ है तो मैं अभी ज्ञानावरणी में मिनिमम, दर्शनावरण में मिनिमम, अंतराय में मिनिमम, और वेदनीय यशस कीर्ति और उच्च गोत्र में मैक्सिमम। तो हमको सोचना है कहाँ कौन से प्रकृति अप्रशस्त है कि प्रशस्त है। समझ में आती है बात? हाँ, मूल प्रकृतियों की अपेक्षा छह ही प्रकृतियाँ बन रही है इसलिए उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, प्रदेश ज़्यादा हो गए, परंतु यहाँ अनुभाग की अपेक्षा बात करेंगे तो अप्रशस्त में कम और प्रशस्त में ज़्यादा, क्योंकि विशुद्धि मैक्सिमम है ना यहाँ पर। तो यहाँ अभी देखते कितना बंद होता है उसकी बात चलेंगे। वहाँ सूक्ष्म सांप्राय के अंत समय में, फेज नंबर 442, नाम गोत्र का 8 मुहूर्त, नाम में तो यशस कीर्ति और गोत्र में उच्च गोत्र बन रही है, यहाँ मिनिमम बंद हो रहा है उनमें। अब तक ऐसा मिनिमम बंद नहीं था, ये अंत के अंतर्मुहूर्त में ऐसा मिनिमम बंद होगा 8 मुहूर्त का। उपशम श्रेणी में चढ़ते हुए कितना था? इससे डबल 16 मुहूर्त, और उतरते समय उससे डबल 32 मुहूर्त। वेदनीय का 12 मुहूर्त, कौन सी वेदनीय बन रही है? साता वेदनीय। और इससे डबल वो उपशम श्रेणी में लेना। और तीन घाती कर्मों का अंतर मुहूर्त मात्र जघन्य स्थिति बंद होता। तीन घाती कर्म यानी ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, उनका अंतर मुहूर्त मात्र स्थिति बंद हो जाता है यहाँ पर। तो इसके बाद सबके जो स्थिति बंद है यहीं तक है, स्थितिबंध सब यहाँ रुकने वाले हैं। आगे जो 12वें गुणस्थान में जाने पर कौन सी प्रकृति बंधने वाली है, क्योंकि यहाँ बंधे की विच्छित्ति भी होने वाली है। बोलो, यहाँ बंधे की विच्छित्ति किसकी किसकी होगी? बंधे की विच्छित्ति किसकी होगी? जो यहाँ तो बन रही है 10वें के अंत में, जो 12वें में नहीं बंधने वाली है। ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 4, अंतराय की 5, 14 हुई, यशस कीर्ति और उच्च गोत्र,
इनका बंध यहीं पर है, अब आगे उसका बंधन नहीं होगा, तो इनके बंध की विच्छित्ति 16 की यहीं पर हुई दसवें गुणस्थान में। अब 12वें गुणस्थान में कुछ बंधेगा कि नहीं बंधेगा, सातावेदने, उसकी स्थिति कितनी बंधेगी, स्थिति नहीं बंधेगी क्योंकि स्थिति और अनुभाग कषाय से बनता है। अब उसमें कोई न स्थिति न अनुभाग बंधेगा, बस आएगी और चली जाएगी। हाँ सत्ता में पड़ी है वो तो चलेगी उसमें, इरियापद आश्रय इरियापद बंध कहते उसी को। तो देखिए अभी यहाँ हम पढ़ रहे, फिर से दोबारा पढ़ेंगे 598 की टीका। वहाँ सूक्ष्म सांप्राय के अंत समय में नाम गोत्र का 8 मुहूर्त, वेदनीय का 12 मुहूर्त, 3 घाती कर्मों का अंतर मुहूर्त मात्र जघन्य स्थितिबंध होता है। जघन्य स्थितिबंध यानी किसी को उत्कृष्ट होता है ऐसा नहीं है, ये मिनिमम बंध उनका स्थितिबंध यहीं पाया जाता है। मोहनीय का जघन्य कहाँ देखा था, 9वें के अंत में, कितना देखा था अंतर मुहूर्त, समझ में। का आपने मैक्सिमम किया तो इसका जगन्य भी बनता है, नाम गोत्र और इसका वेदनी का। यही तो, यही पर इतना ही बनता है, सबको समान बनता है, वही तो मैंने कहा इसमें मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं है। अभी तक संसार अवस्था में इतना जगन्य कहीं पर नहीं बनता था, अब यहाँ बन रहा है, इसको कहते हैं ये जगन्य स्थिति बंध है। यानी नाम गोत्र का जगन्य स्थिति बंध कहाँ होता है, तो 10वें गुणस्थान के अंत में होता है, ये उसका अर्थ है। वो तत्वार सूत्र में आता है ना, कौन से कर्मों का जघन्य स्थिति बंध, मोहनीय का अंतर्मूर्त, तो हम सोचते हैं अरे मिथ्यात्व का अंतर्मूर्त कहाँ होता होगा, मिथ्यात्व की बात नहीं है, जो लोभ का वहाँ अंतिम बंध होगा उसकी बात है। वहाँ ही 3 घाती कर्मों का स्थिति सत्व, 3 घाती कौन से, ज्ञानावरण दर्शन अंतराय, जो अभी 12वें में नष्ट होने वाले है, अंतर्मूर्त मात्र है, वह क्षीण कषाय के काल से संख्यात गुणा है। अब तो 10वें गुणस्थान के अंत समय में पहुंचा है, और ज्ञानावरणादि का स्थिति सत्व कितना पड़ा है, 12वें गुणस्थान का जो अंतर्मूर्त है उससे संख्यात गुणा बड़ा, यहाँ उसका सत्व पड़ा है। 3 अघाती कर्मों का स्थिति सत्व, 3 अघाती कौन से है, वेदनीय नाम गोत्र, आयु जितनी उसके उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जितने निषेक बाकी उतने रहेंगे। अघाती कर्म, 3 अघाती कर्मों का स्थिति सत्व असंख्यात वर्ष मात्र है, यानी पल्ले के असंख्यात भाग मात्र इतने इसका स्थिति पड़ी है अभी, नाम की गोत्र की और वेदनी की। मोह का स्थिति सत्व क्षय के सन्मुख है, क्षय के सन्मुख यानी कितना बाकी है, एक निषेक वर्तमान जो उदय रूप है। द्रव्यार्थिक नय से इस समय विद्यमान है तथापि नष्ट ही हुआ जानना, हम कहते हैं 10वें गुणस्थान के अंत में नष्ट होता है, अरे पण वहाँ है ना, ये दो कथन जैसे होते हैं, जहाँ है वहीं पर नष्ट कहेंगे, और जब कहेंगे जब वहाँ व्यय रूप हो जाएंगे नेक्स्ट समय में तब उसको नष्ट कहेंगे, दो पद्धति होती है। ऐसे क्षय के सन्मुख लोभ की संग्रह कृष्टि यानी सूक्ष्म कृष्टि होना चाहिए शब्द, उसको अनुभवता है। ऐसे 5वें सूक्ष्म सांप्राय चारित्र से संयुक्त सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थानवर्ती जीव जानना, यह जो चारित्र है उसका संयम है, उसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय संयम या सूक्ष्म सांप्राय चारित्र। अभी हम ये जो कृष्टि वेदना अधिकार है, क्योंकि पहले बादर कृष्टि का वेदक था, अब 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म कृष्टि का वेदक हुआ, तो ये कृष्टि वेदना अधिकार यहाँ समाप्त हुआ, और हम भी थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकेंगे। बोलो 2400 भगवान की जय।